हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टडी में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लॉट कंट्रोल टेक्निक जत्था नियंत्रण पद्धति। ऑलरेडी इस चैप्टर के 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम लोग हमारे बुक के अंदर जहाँ पर सेक्शन 1 जहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसमें से जो प्रैक्टिकल है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 वो मैं कंप्लीट सॉल्व करा रहा हूँ। बट कहना चाहूंगा ऊपर के जो क्वेश्चन ना वो भी जरूर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सेक्शन 1 आपको पूरा करना है, जैसे शॉर्ट्स क्वेश्चन इसी में से मोस्ट ऑफ निकलते हैं। और ऑलरेडी इससे पहले वाला जो लास्ट वीडियो उसमें मैंने यू स्टडी के सारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो से आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में भी टोटली मैं समझाने वाला हूं। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के, पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन थोड़ा यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक निर्दिष्ट योजना सैम्पलिंग प्लान दिया गया 1100 और 0। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन में लिख देता हूँ जो जो हमें सम्स में दी गई। शॉर्ट सम्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही हमें आंसर मिल जाता है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमने राइट डाउन कर दी, उसके बाद हमें उसे संभावना प्रॉबिलिटी दे के रखी हुई है। प्रॉबिलिटी संभावना हमें दी रखी है, मतलब PA 0.3678 दिया हुआ है। अब फाइंड आउट क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा, खामी प्रमाण निकालना। क्या निकालना, खामी प्रमाण डिफेक्टिव निकालना, मतलब P- फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, आपको P- फाइंड आउट करना। अब किसके बेस पर निकलेगा समझिएगा, ऐसे सम्स में आपको P- निकालने के लिए बोला गया तो आपको याद करना उसी वक्र का आपने सम सीखा होगा जिसमें कंडीशन बताया गया। पहले आपको मेथड पहचाना कि कौन सी मेथड के थ्रू हमारा PA संभावना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पर कैपिटल N देख लीजिए, 200 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर पॉइजन से अप्लाई होगा। पॉइजन मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे NP- अप्लाई होगा। तो NP- इस तरह से आपको लिखना है कि जिसका आंसर 1, 2, 3, 4 और 5 ही आएगा। ठीक है, आपको याद हो यहाँ पे 0 भी होता है, लेकिन 0 नहीं ले रहे क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इसी के बेस पर हम आंसर P- का निकाल लेंगे, क्योंकि NP बराबर फर्स्ट हमें क्या लेने का, 1 ले लेना है। फर्स्ट क्या मान लेने का, 1। स्मॉल NP- क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइजन है, समझ गए होंगे। स्मॉल N का तो आंसर हमारे पास होता ही है 100 है, P- हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल 1 होगा, तो बस 100 का आप डिवाइड दे देंगे। तो P- बराबर 1 डिवाइड में 100, तो P- कितना आ गया, 0.01 हमारा यहाँ पर P- फाइनल आंसर बन जाएगा। बेसिक सा क्लियर था, आई होप समझ में आया होगा। क्या करना है फिर से समझाता हूँ, जब भी इस टाइप का सम्स हो जिसमें P- निकालना है तो आपको याद रखना है, ये आपको पहले मेथड पहचानने की कौन सी मेथड अप्लाई हो रही है, तो आपको कैपिटल N पे ऑब्जर्व करना है। 200 से ज्यादा मतलब आपको पॉइजन लगेगा, पॉइजन मतलब स्मॉल NP-, स्मॉल NP-, और आपको पता है आंसर 1, 2, 3, 4, 5 के रेशियो में ही आएगा। इस तरह से P- डिसाइड किया जाता है, तो आपको 1 लेकर फर्स्ट वाला लेकर ही सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिक आपको P- का आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ, आगे एक और सम्स देखने को मिलेगा ऐसा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वहां पर अगेन हमें सैम्पलिंग प्लान 52 और 0 दिया गया। यहाँ पर कैपिटल N 50 है और हमारा स्मॉल N 2 है और D बराबर 0। एक और समझ लो, आपका D मोस्ट ऑफ 99% 0 ही होगा इस टाइप के सम्स में अंदर, जब हमको PDS निकालना होगा और कुछ इस तरह से हम लोग निकालेंगे तब। ठीक है, उसके बाद इस बार PA देखे रखा हुआ है। ठीक है, PA जिस इसमें दिया था इसमें PA दिया हुआ है, सेम डिस का सम्स है, बस मेथड चेंज हो गई और कोई चेंजेस नहीं, और हमें बिल्कुल वही खामी प्रमाण P- फाइंड आउट करना है डिफेक्टिव, तो यही अप्लाई करेंगे। बट मेथड चेंज हो गई, हमें स्मॉल NP नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कैपिटल NP- आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपोजियोमेट्रिक अप्लाई होने वाला है अति गुणोत्तर, इसके लिए NP- कैपिटल का है। इसको क्या मान लेना है आपको, 1 एज्यूम कर लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कैपिटल हमारे पास 50 है ही और P- हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1, तो P- बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड में 50, डिवाइड में आ जाएगा, तो 0.02 ये हमारा फाइनल आंसर P- का बन जाएगा। इतना बेसिक सा शॉर्ट सम्स होता है, 2 लाइन में आपका आंसर आता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद अब थोड़े देखना लॉन्ग सम्स आपको सीखने को मिलेंगे, थोड़े लॉन्ग आप देख रहे होंगे, कहां पर कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है, कहीं पर स्मॉल N की वैल्यू, तो समझना कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर हमको खामी प्रमाण दिया गया, सबसे पहले क्या दिया गया, खामी प्रमाण दिया गया। इस सम्स को हो सके तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, खामी प्रमाण मतलब हमें P- दे दिया गया है 0.02, उसके बाद हमें क्या दे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे ना, ASN दिया गया है। ये सब क्यों दिया है, कोई क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू हमें इनसे मिलेगी। फिर हमें AOQ दे दिया गया है, AOQ दे दिया गया है। ठीक है, 0.002708 और एक और आंसर दिया है ATI, इतना सारा आंसर दिया हुआ है, ATI का भी आंसर दे रखा है, ATI इज इक्वल टू
878, और फाइंड आउट फाइनली जाके कैपिटल एन करना, क्या फाइंड आउट करना, कैपिटल एन सम्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कैसे आएगा, थोड़ा लॉन्ग सम्स हो सकता है लेकिन बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक है। तो सबसे पहले देखिए आपको एटीए के फॉर्मूले में जाके कैपिटल एन निकालना, इतना आपको कन्फर्म है, तो लास्ट में अप्लाई कीजिए, उससे पहले जो जो आंसर निकल जाए वो निकाल लीजिए जिससे हम इस फॉर्मूले में रख सकेंगे। तो ए एस एन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, ए एस एन बराबर होता है स्मॉल एन, तो स्मॉल बराबर 100, तो आपको एक वैल्यू मिल गई, स्मॉल एन की वैल्यू मिल गई यहां से, ठीक है। सेकेंड ए ओ क्यू, तो आपको पता है ए ओ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी डैस इंटू में पी ए होता है, क्लियर है। जहां पर आपको ए ओ क्यू का आंसर है, ए ओ क्यू का आंसर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो जो वैल्यू मिल पा रही है ना वो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं आंसर के बेस पर। पी डैस, तो देखिए हमें पी डैस दिया हुआ है 0.02 इंटू में पी ए, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, पी ए का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पी ए के लिए क्या करना है, इसको डिवाइड में 0.002708 डिवाइड में आ जाएगा 0.02, तो पी ए, ठीक है, तो पी ए बराबर फाइनली डिवाइड करके जो हमको मिल जाएगा 0.1354, ये हमको पी ए मिल गया, हो चुका दोनों का यूज करके। अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, एटीआई के बेस पर हमारा कैपिटल एन मिल जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला इसका अप्लाई करते हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन वन माइनस पी ए। अब सारी वैल्यू है कैपिटल एन को छोड़कर, स्मॉल एन ने निकाल दिया, पी ए भी हमने निकाल दिया, अब हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिएगा एटीए का आंसर दिया, पहले वो राइट डाउन कर लीजिए, स्मॉल एन हमने फाइंड आउट किया 100 वो लिख दीजिए, हाँ कैपिटल एन नहीं कोई बात नहीं, स्मॉल एन 100 है वो लिख लीजिए, 1 माइनस पी ए, पी ए भी 0.1354 हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का यहाँ पे लिया था इक्वल के साइड माइनस में, हमें बेसिक कैलकुलेशन को करना है, ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर 1 में से माइनस करोगे तो 0.8646, 100 में से माइनस किया 787, और ये साथ में कर लेता हूँ, ये इंटू में, तो इसको डिवाइड में ले आते हैं, एक स्टेप मैंने छोटा कर दिया, आप लॉन्ग कीजिएगा, इजीली लिखिएगा सारे स्टेप। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के साथ आपको जो मिलेगा पॉइंट में मिलेगा, लेकिन समझिएगा अगर पॉइंट 5 से ज्यादा तो बढ़ा दीजिए, 899.84 मिल रहा है ना, तो उसको 900 कर दिया, पॉइंट 5 से ज्यादा तो उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि कैपिटल एन स्मॉल एन निकालना था तो पॉइंट में नहीं होता है, बस इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब माइनस का 100 इस साइड क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा माइनस का 100, तो 900 प्लस 100 इज इक्वल कैपिटल एन इज इक्वल क्या हो जाएगा 100, तो कैपिटल एन बराबर कितना मिलेगा, 1000 मिल जाएगा, क्लियर हुआ। प्रोसेस थोड़ा सा बेसिक था, स्मॉल एन निकाला, पी ए निकाला, फाइनल आंसर हमने निकाल दिया, आया होगा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स इस टाइप के सम्स आते ही है एग्जाम में, और प्रीवियस एक और वीडियो 9th नंबर का निकाला वो देखिएगा, 100 स्टोन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, कुछ यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, संबंध आपको इस बार पी ए निकालना, संभावना पी ए निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो देखिए पहले जो दिया गया है सैम्पलिंग प्लान निर्देश योजना वो लिख देते हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन और हमारा डी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 19, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल एन दिया गया है 5000, स्मॉल एन दिया गया है 200, और हमें डी बराबर 012, और साथ साथ में हमें क्या दे दिया गया, एटीआई का आंसर दे दिया, एटीआई, तो एटीआई इज इक्वल दिया है 1050, और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें उसकी संभावना प्रोबेबिलिटी मतलब पीए निकालना है। अभी पीए निकाला है तो देखते इस फॉर्मूले में वैल्यू निकल के पीए निकालेंगे हम लोग, ठीक है, कोई हमें मेथड का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, एटीआई दिया मतलब एटीआई के थ्रू ही आपको निकालना है, तो एटीआई का ही आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन वन माइनस पीए, तो यहां से पीए निकलेगा आपका, ठीक है, संभावना, बाकी सब वैल्यू आपके पास है, स्मॉल एन भी है, कैपिटल एन भी है, और एटीआई भी है, तो ये निकल के आ ही जाएगा, नॉर्मल है। तो एटीआई बराबर दिया 1050, स्मॉल एन हमारे पास 200, कैपिटल एन हमारा 5000, माइनस स्मॉल एन 200, 1 माइनस पी ए, पी ए 70 लिखेंगे, फाइंड आउट करना, बाकी कैलकुलेशन हम लोग कर देते, 200 को साइड माइनस में ले आते हैं, ठीक है, जैसा आपको कैलकुलेशन फाइव वैसा आप कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन जब करना हो, सॉरी 200 इसमें से माइनस कर देंगे 4800, और यह 1 माइनस पी ए, या माइनस करेंगे तो 850 आएगा, और ये इनटू का डिवाइड में ले आता है इक्वल के सेट, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप में कट कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे, इसको कर लीजिएगा आप लॉन्ग, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.177, आगे डिजिट में 08 पूरा लिख देता हूं, अब इसको इंक्रीज करके 1 कर सकते हो। अब माइनस का पी ए सेट आएगा प्लस में, ठीक है, प्लस का सेट आएगा माइनस में, 1 यहीं पे रखा है, प्लस का सेट माइनस में, तो ऑटोमेटिक आप माइनस करोगे ना, वैसे आपको आंसर पी ए का मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 0.8
8229, ये हमारा फाइंड आउट होगा एटीआई के थ्रू। पी हमने फाइंड आउट कर दिया, सारी वैल्यू हमारे पास थी इसके बेस पर। बेसिक था, नॉर्मल था, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 20, समझ में, अब वापस कैपिटल एन निकालना है। ये थोड़ा ध्यान से समझना, कैपिटल एन निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, देखिएगा कैसे फाइंड आउट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर कैपिटल एन हमें नहीं दिया गया है, मिसिंग है, यही सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें स्मॉल एन दे दिया गया है 200, डी बराबर दे दिया गया 0, और खामी प्रमाण मतलब पी डैश दिया गया 0.05, और साथ में एटीआई का आंसर दे दिया गया 706। अब देखिए कैसे निकलेगा, अब ध्यान से समझ, अब थोड़ा समझना जरूरी। एटीआई के बेस पर निकालेंगे जरूर, पर एटीआई के अंदर कैपिटल एन भी मिसिंग है और साथ में पीए भी मिसिंग है, दो दो वैल्यू मिसिंग है तो हम निकाल नहीं सकते। कैपिटल एन भी नहीं दिया और पीए भी नहीं दिया, तो पीए निकालने के लिए अलग मेथड से आपको फॉर्मूले बेस मतलब मेथड अप्लाई करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा पीए का। पहले आपको पीए का आंसर निकालना पड़ेगा, वो मेथड अप्लाई करेंगे जो मेथड से फॉर्मूला यूज होगा वो, इसलिए ठीक है समझिए इस बार। तो इस बार मैं देखिए नीचे हेडिंग में दिया गया, क्योंकि कैपिटल एन नहीं है तो हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी मेथड अप्लाई हो रही है, लेकिन ई की वैल्यू दी है मतलब समझ गए पॉइजन का मेथड अप्लाई होगा, तो पॉइजन के लिए आप सॉल्व करोगे। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे, स्मॉल एन इंटू में पी डैश, तो स्मॉल एन हमको 200 दिया है और पी डैश 0.05, आपका फर्स्ट वैल्यू 1 ही आएगा। जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट स्टार्टिंग का सम्स किया था, डी बराबर 0 तो एनपी बराबर 1 लेंगे तो पी डैश निकलता है, देखिए 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा डी बराबर 0 फर्स्ट का ई रेस टू एनपी डैश इंटू एनपी डैश की डी अपॉन में डी फैक्टोरियल। ठीक है, पीए निकाल रहे हैं और हमको एक ही 0 के लिए निकालना है। ठीक है, क्यों सॉल्व कर रहे हैं समझ के, पीए इस फॉर्मूले से क्यों मेथड से लाना पड़ा, क्योंकि एक साथ दोनों आंसर नहीं फाइंड आउट हो सकते सम्स में इसके लिए। तो यहां पर एनपी बराबर 1 निकला है, 1 का डी बराबर 0 अपॉन में 0 पे डी 0 है, तो उसका आंसर था समझते हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट समझिए अब हमारा पी ए जो हो 0 वाला वो ई की रेस टू 1 बचेगा, और 1 का आंसर क्या होता है मैंने वैसे आपको सिखाया हो, जब भी ई की वैल्यू दी गई तो कैल्सियम में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो भी पावर दिया 1, 2, 3 पॉइंट में भी तो आपको समझाया, एक वीडियो मैंने अपलोड किया वो देखिएगा, उसके बेस पर आपको पता चलेगा, क्योंकि आंसर दिया नहीं गया है 1 का पावर का क्या होगा वो आंसर नहीं दिया, डायरेक्ट ई की जो वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू वो आपको दी गई, तो इसके बेस पर निकलता है वो वीडियो पहले देखिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो हमारे पास आएगा 0.36788। ठीक है, टेबल से आंसर लाया गया, आप कैलसी में जरूर कीजिएगा, मैंने आपको बताया। अब हम लोग निकाल देंगे जो हमको मांगा गया है, मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। ठीक, अब हम एटीआई का फॉर्मूला इजीली अप्लाई करेंगे और उसमें कैपिटल एन निकाल देंगे, जैसे प्रीवियस सम्स में हमने निकाला हुआ है। एटीआई बराबर स्मॉल एन ब्रैकेट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन 1 माइनस पीए, हमारा एटीआई हमारे पास दिया हुआ है, यहां पर एटीआई की वैल्यू लिख दीजिए। स्मॉल एन हमारे पास है 200, कैपिटल एन हमें निकालना है, स्मॉल एन 200, 1 माइनस पीए, पी हमने निकाल दिया 0.36788। अब हम लोग कैपिटल एन बेसिक्स से निकाल देंगे, समझिएगा 200 या माइनस आएगा, माइनस करके लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। यहां पर कैपिटल एन माइनस 200, यहां पर हम लोग माइनस करेंगे 1 में से, तो जो हमें मिलेगा 0.3621, आगे 2 और लिखना लिखेगा चलेगा, डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड में ले आते हैं 0.36621, और यहां पर कैपिटल एन माइनस 200 बचेगा। अब आप देख रहे होंगे यहां पर डिवाइड करोगे ना, और डिवाइड करने के साथ आपके पास आएगा पॉइंट में, लेकिन आपको पता है पॉइंट 5 से नीचे कम है, तो आपको 780 का 800 लिखना, जैसे मैंने उसमें पॉइंट में बताया था आपको। ठीक है, कब इंक्रीज करना, 0.5 से ज्यादा हो तो, कैपिटल एन फाइंड आउट कर रहे हो तब, स्मॉल एन कैपिटल तब, तो माइनस का 200 अब यहां पर प्लस में आ जाएगा, 800 प्लस 200 इज इक्वल टू कैपिटल एन, तो 1000 इज इक्वल कैपिटल एन, तो कैपिटल एन आ गया 1000। थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग था पर समझना था, इस बार आपको पीए मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना है, उसके बाद एटीए का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर लाना है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो चुका है, और ध्यान से सुनिएगा यहां पर जो पॉइंट नंबर 5 हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप उदाहरण नंबर 1 ठीक है ये जरूर देख लीजिएगा, जिससे वो भी आइडिया, इस टाइप के भी एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग से सारे देख लीजिएगा, सारे के सारे ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इस बार की एग्जाम में क्वेश्चन 5 में आएगा। और अगर पेपर पैटर्न आपने देखा है तो जब मैंने बी बताया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का बी नहीं आएगा, बी की जगह वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में,
जो 14 मार्क का रहेगा, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू शॉर्ट सम्स आने वाले हैं, जहां पर इस सब्जेक्ट में शॉर्ट सम आने वाले, ठीक है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो पहले से देखा हुआ तो। क्लियर हुआ होगा, आई होप कोई क्वेरी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। अगर बाय चांस इस चैप्टर में और कुछ नया है आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, और लगे मुझे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।